कलेक्ट्रेट के कर्मचारी द्वारा 17 युवकों से लगभग 50 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल कोटवार मनीराम चौहान ने खुद को अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय का क्लर्क बताया और बेरोजगार युवक युवतियों को नौकरी लगवाने के बदले उनसे हजारों की ठगी कर ली, साथ ही तहसील कार्यालय में नौकरी भी लगवा दी। वहीं जब 3-4 महीने काम करने के बाद उन्होंने वेतन और नियुक्ति पत्र के बारे में पूछा तो पीड़ितों को पूरे मामले की जानकारी लगी। खुद को ठगा महसूस कर पीड़ितों ने पुलिस थाने में केस दर्ज करवाया है, साथ ही आरोपी पर अलग अलग थानों में ठगी के और भी कई मामले दर्ज हैं। मुझे बाद में पता चला कि वो एक साधारण मामले कोटवार है। मैं बहुत गरीब घर की लड़की हूँ, मुझे कहीं से काम वाम मिल जाए करके मैं शुरू से कोशिश कर रही थी। एक दिन ये व्यक्ति आया और बोला कि मैं एडीएम ऑफिस में बाबू के पद में हूँ, तो मैं तुम्हारा प्यून में कम से कम लगवा दूंगा, आप पैसा उसे डाल दो। ऐसे कस्टमर को बोला अभी मैं बटवाली रूम में 2 महीने से काम कर रहा हूँ। 2 महीना हो गया, मेरे को अभी तक ना पेमेंट दे रहे हैं ना जो टर्मिनेटर दे रहे हैं। डेली में जो बोल रहा हूँ बच्चे और आदमी हैं, बाहर से जा रहा हूँ, लखनऊ से आया हूँ और हम मेरे मियाँ हम दोनों को से पैसा लिया है और दोनों जने की नौकरी लग जाएगा अगर बोले हैं। और मैं तो आ रहा हूँ, मेरी मीडिया आई थी, अभी तक सर ना पेमेंट दे रहे हैं ना टर्मिनेटर। आप ही के द्वारा बताया गया कि कुछ मनीराम चौहान के द्वारा किया गया, ऐसा कोई ज्ञापन तो अभी मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम संबंधित कर्मचारी या कोटवार जो भी है उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं कि हम लोग रिकॉर्ड रूम में कोई दूसरा आदमी आके काम कर रहा हो, क्योंकि रिकॉर्ड रूम का प्रभारी हमारे द्वारा नियुक्त होता है। तो अभी तक इस मामले में मेरे पास कोई संज्ञान नहीं है।